वेलकम बैक। अभी मैं हूँ आसाम केन फर्नीचर बरेली में, जो कि ओल्ड सिटी पुराने शहर में है और पीछे बोर्ड लगा है। पिछली वीडियो में आपने देखा था बेंत के काफ़ी सारे आइटम मैंने आपको दिखाए थे, और इस वीडियो में मैं आपको वो आइटम बनते हुए दिखाऊंगा और काफ़ी नए डिज़ाइन के आइटम भी दिखाऊंगा और उनकी कीमतें भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आसाम केन फर्नीचर बरेली में, और बरेली में पुराने शहर में, जिसको ओल्ड सिटी भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारखाना है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में केन फर्नीचर का काम होता है। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे ये बनता है। तो वीडियो में बने रहें और आइए चलते हैं अंदर। तो अभी मेरे साथ हैं मिस्टर सैफी, और इनसे जानते हैं ये जो आसाम केन फर्नीचर है, यहाँ के ये मैनेजर हैं। सैफी भाई, कुछ बताएं अपने इस काम के बारे में, इस कारखाने के बारे में। जी सर, ये हमारा जो है बेत है जी, ये रॉ मटेरियल क्या रहता है, ये हमारा आसाम से आता है। जितना भी माल आता है ये सब आसाम से आता है। अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग प्रजाति का होता है। इसमें कई तरीके की नस्लें होती हैं। देखने में आपको सिर्फ बेत लगेगा, लेकिन इसमें भी नस्लें होती हैं। जाति है, रेडांग है, हड्डी है, और लजाई है। कई तरीके की प्रजातियाँ होती हैं इसमें। और ये अभी हमारा रॉ मटेरियल है, इसी से हम जो है सारे आइटम तैयार करते हैं, जो भी आइटम होते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कुर्सियाँ हो गई, मोंडे हो गए, झूले हो गए, और वगैरह वगैरह आइटम है। एक्सपोर्ट्स के भी आइटम होते हैं कुछ। काफ़ी सारे आइटम है, काफ़ी सारे। जैसे जैसे पार्टी को जैसे जिस तरीके की ज़रूरत होती है, जैसे जिस तरीके के शेप चाहिए या जिस तरीके के प्रकार को उनकी मर्ज़ी होती है, तो हम एक्सपोर्ट कर भी करते हैं, और मतलब अपने यहाँ पर लोकल मार्केट में भी देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, ये अभी रॉ मटेरियल है, ये बंडल होते हैं तैयार, 20 बेत के, 25 बेत के, 30 बेत के, इस तरीके से तैयार एक एक बंडल होता है। फिर इसके बाद हम इसको काटते हैं, काटने के बाद हम इसको जो है भिगोते हैं, इनको फुलाते हैं, फिर इसकी मंझाई करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम इसे फिर शेप तो में लेते हैं। भिगा हुआ देखें कैसा है। हाँ आइए। ये जो बेत होता है, फिर वहाँ से हम बंडल लेके आते हैं, उसको लाने के बाद यहाँ पर हम काटते हैं। काटने के बाद फिर अब ये हौज है हमारा पानी का, इसमें हम भिगोते हैं इसको एक दिन, दो दिन, तीन दिन। फिर उसके बाद ये लड़के जो है फिर मंजाई करते हैं, इसको साफ़ करते हैं, जो इसका छिलका होता है भीगता है एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे भीगता है, क्योंकि इससे फूल जाता है, तो इससे जो है बेत में जो है हार्डनेस नहीं रहती है, थोड़ा मुलायम हो जाता है। फिर इसके बाद हम ये जो है इसे तपा के गर्म करके फिर इसे आकार देते हैं, जिस शेप में भी बनाना होता है। गर्म करने से मोड़ना पड़ता है ना इसको, मोड़ेंगे तभी तो शेप देगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर ये मोड़ेंगे, वैसे मोड़ेगा नहीं ये। तो इसको जो भी आकार देना होता है, जैसे सोफे का, कुर्सी का, झूले का, जो भी बनाना होता है, फिर उसी हिसाब से बना लेते हैं, मोड़ के गर्म कर देते हैं। फिर इसके बाद ये जो है सब आइटम बनते हैं, ये कटता है, ये है काट काट के बनाते हैं, अपने लगाते हैं। तो ये बेबी सोफा सेट बन रहा है जी, ये सोफ़ा सेट बन रहा है। इसी तरीके से फिर बनाते हैं, इसी तरीके से और हमारे पास जो बहुत सारे आइटम हैं वो तैयार रखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये भी बेत है, सब बेत है। इसको पथरी बोलते हैं, पथरी। पथरी जी, इसको पथरी बोलते हैं। ये भी बेत से तैयार होती है। तो ये पथरी भी कैसे बनती है, आइए दिखाते हैं। पथरी जो है ये, इसका प्रोसेस अलग है, इसकी छड़ी अलग होती है। रॉ मटेरियल यहाँ की रखा है, और ये देखें छड़ी का ये। अच्छा, ये जो माल है इसका ये वाला होता है जी, इस माल का ये पतली वाली छड़ बोलते हैं इसे। जी जी, पतली छड़ी बोलते हैं, देसी छड़ी बोलते हैं उसको। इस तरह से ले जाता है। अच्छा, इसको छीनने के लिए थोड़ा सा रुकना, ये उंगली में क्या लगाया आपने। अच्छा, इसे उंगली की सेफ्टी रहती है, ऐसे बनाते हैं इसको। इसे कटआउट है ना, इसलिए सेफ्टी रहती है इनकी। ये चमड़े का वो बना लेते हैं ना, अपने हाथ में लगा लेते हैं। ये भी कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, ये जो तार, ये भी तीन चार प्रोसेस से होकर गुजरता है, तीन चार प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसके बाद ये कंप्लीट बनकर तैयार होता है, और इसको फिर बेत के फर्नीचर या आइटम में लगाया जाता है। अच्छा, बेत के और भी आइटम बनते हैं, जैसे कि बास्केट, टोकरी या सारे आइटम बनते हैं, जैसे पार्टी को रिक्वायरमेंट हो। अब मैं आपको तैयार आइटम दिखा देता हूँ, कुर्सी, सोफा वगैरह जो बनती है। अभी आप यहाँ पर देखें,
नए डिज़ाइन के यहाँ पर सोफ़े, टेबल और ये चेयर, काफ़ी सारे आइटम यहाँ पर रखे हैं और एक एक करके सभी के प्राइस मालूम करते हैं। ये जो डिज़ाइन है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, तो इसकी कीमत क्या होगी? लगभग इसकी कीमत जो है 12,000 से 14,000 के बीच है। पूरे सेट में कितने आइटम आते हैं? एक सेंटर टेबल होती है जी, दो चेयर होती हैं, एक थ्री सीटर कोच होता है, ये सोफ़ा है और ये इसकी एक चेयर और है जी। थ्री सीटर ये सोफ़ा होता है, टू सीटर कुर्सियाँ हो गई, अच्छा फाइव सीटर हो गया ये, और एक सेंटर टेबल होती है। सेंटर टेबल होती है। ये जो सोफ़ा सेट है उसकी टेबल ये है, ये टेबल आती है 12,000 से 14,000 रुपये में, ये पूरा सेट मिल जाता है। और ये होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है? होलसेल है, अलग की टेबल होती है किसी के चेयर के साथ लगाने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर कांच आ जाता है? इसके ऊपर कांच आ जाता है। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत है 1,200 रुपये। 1,200 रुपये सिर्फ जी? कांच लगाने बाद 400-500 रुपये कांच बैठता है बस। और अगला जो डिज़ाइन है वो सामने ये चेयर है, इसका क्या कीमत होगी? इसकी 1,500 रुपये। 1,500 रुपये इस चेयर को क्या बोलते हैं? इस डिज़ाइन को पर वाली चेयर, परी जैसे पर हैं इस चेयर के। 1,500 रुपये में ये चेयर है, इसकी कीमत है। और नेक्स्ट जो है वो हमारी सामने चेयर है, इसकी क्या प्राइस होगी? इसके भी 1,500 रुपये। अच्छा, ये छोटी वाली चेयर? ये 800 रुपये। 800 रुपये जी। बाकी ये झूला है? ये झूला है। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? इसकी भी कीमत 750 से 800 रुपये। तो आपने ये जो कीमतें बताई हैं, तो ये होल सेल प्राइस हैं या रिटेल प्राइस रहेंगे? ये हमारा जो है इकट्ठा माल जाता है, गाड़ी भर के बाहर भी जाता है, यहाँ भी रहता है, और वैसे भी रिक्शाओं पे भी जाता है, जैसे दुकानों पर जाता है। तो ये हमारे सब होलसेल प्राइस है, बाकी जब कोई कस्टमर आता है तो कुछ जो एडजस्ट करने को होता है वो कर लेते हैं उस टाइम पे देख लेते हैं जब कोई कस्टमर आएगा। तो ये बिना पॉलिश का है, अभी ये पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है, इस पर सिर्फ पॉलिश लगना रहेगा। ये पॉलिश लगने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। सामने आइटम देख रहे हैं, ये बिना पॉलिश के आइटम हैं, अभी इन पर पॉलिश लगना बाकी है, और पॉलिश लगने के बाद ये इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इसकी क्लियरिटी में फ़र्क देखें आप, पॉलिश होने के बाद ऐसा क्लियरिटी रहती है, ऐसी चमक रहती है, और अनपॉलिश में ऐसी चमक रहती है। ये पॉलिश है, अब तो वैसे भी ट्रेंड हो गया इसका, बहुत ट्रेंड हो गया, अब तो छोटे छोटे घरों में भी रहने लगा, गरीब भी लेते हैं, लेकिन पहले ये जो टाइम में जो था ये सब मतलब VIP लोग और मतलब नवाब लोगों के घरों में ये आइटम बनते थे, क्योंकि ये महंगे आइटम पड़ते थे थोड़े उस टाइम में। अब किसी बंदे को किसी घरेलू यूज़ के लिए जैसे दो दो चार चार कुर्सियाँ चाहिए या एक टेबल चाहिए, वो तो घरेलू आइटम के लिए उन्होंने ले ली, तो इतना तो माल हमारे पास हमेशा स्टॉक में रहता ही है, बना के रखे रहते हैं, कारीगर बनाते रहते हैं और हम स्टॉक में रखते रहते हैं, जो किसी भी टाइम अवेलेबल रहता है। जैसे किसी ने हमें आज ही फ़ोन करा तो हमने उसे कल तक डिलीवरी दे दी, ठीक है। अब जैसे लोकल का है तो वो रिक्शा से उसके घर पहुंच जाएगा, रिक्शा वाले के हाथ भेज देंगे, कोई बाहर का है तो उसे ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे, किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे उसका ऑर्डर हो उसी हिसाब से फिर टाइम लगेगा, जैसे हफ्ता 10 दिन 8 दिन 15 दिन इतना तो टाइम लगता है। ये मेरा नंबर है 7017654191, और हमारे जो बड़े भैया हैं जो ऑनर हैं इसके, उनका नाम है सईद भाई, उनका नंबर है 9760-35-58-84। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो इन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर बताया है, आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ये थी थोड़ी सी जानकारी बेंत फर्नीचर के बारे में, कैसे ये बेंत फर्नीचर बनाया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ नए डिज़ाइन के आइटम भी मैंने आपको दिखाए। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।